The Panna Tiger Reserve reopened after a three-month monsoon break, bringing cheer to tourists eager to experience the adventure it offers. Park authorities cited the sighting of tiger cubs on the first day of its reopening as a promising sign for visitors to the reserve. सीजन की जो बुकिंग है ऑनलाइन वो देखते हुए सारी टिकट्स लगभग 10 नवंबर तक बुक्ड हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काफ़ी अच्छा पर्यटन सीजन रहेगा। साथ ही आज प्रथम दिन भी दो शावक बाघों का दर्शन हो चुका है पर्यटकों को, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा संकेत है पर्यटकों के लिए। Tourists who spotted tigers and other wildlife shared the thrill of seeing the animals in their natural habitat. सफारी के अंदर जाते ही करीब 10 मिनट बाद ही टाइगर का से मुखातिब हुए हम। करीब 20-25 फीट की दूरी पे काफ़ी देर तक हमने उनको बहुत अच्छे से निहारा, और सबसे अच्छी बात ये कि टाइगर की हंटिंग भी देखी हमने, मतलब उसको चलते हुए और हंटिंग का प्रयास करते हुए भी देखा। ये अंदर पहला दिन बड़ा खुश नसीब थे हम लोग कि हमको सबको जाते ही टाइगर दिख गया, उसका हंटिंग, और मतलब इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर अस कि हमने एकदम क्लोज से उसको देखा। बट हमको बिल्कुल ये नहीं था कि हमको आज पहले दिन दिख जाएगा। वी वर इन वेरी मतलब बेड सस्पेंस कि क्या मालूम आएगा कि नहीं आएगा। कि आज हम लोगों को तीन टाइगर दिखे जो कि हमारी गाड़ी के बहुत ही पास से हेड ऑन चल रहे थे, काफ़ी आगे चलते रहे, आधा किलोमीटर एक किलोमीटर तक, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जानवर बहुत जानवर दिखे, हिरण भी दिखे, मोर भी दिखे, और सांबर डियर दिखा, टाइगर दिखे तीन। Others said that the natural beauty and tranquil atmosphere of the park offered them a welcome break from the hustle and bustle of life in a metro. Nature anyways is so beautiful. बहुत सारी waterfalls हैं बीच में, बहुत सारे forest, इतना आप अगर बीच में जीप रोक देंगे तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, सिर्फ थोड़ी birds सुनाई देंगी, थोड़े animals का कुछ कुछ sound, इतनी शांति मिलती है अंदर जाकर। तो मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली की hustle bustle से ये बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। Park authorities stated that the initial bookings suggest a bustling tourist season ahead, and they have made arrangements to ensure that no one returns disappointed after a visit to the park.